मेहसा शहर में आज मेहसा पुलिस की जानिब से अवेसी नगर और एपी नगर के इलाकों में पुलिस का कार्डन सर्च ऑपरेशन सर्कल इंस्पेक्टर मेहसा प्रवीण कुमार की क्यादत में सुबह की अवलिन अवकात में किया गया, जिसमें मुकामी सब इंस्पेक्टरान जिनमें हनमल्लू, एमडी शरीफ, विक्रम, एमडी मलिक, दर्शन श्रीनिवास, शिवा के अलावा पुलिस जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस कार्डन सर्च का इनेकाद करते हुए हर घर घर पहुंचकर दस्तावेज और दीगर ज़रूरी मालूमात की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और कोई महल्ले में किराएदार के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। इस ऑपरेशन के दौरान 71 मोटरसाइकिलें और 10 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए गए हैं। बन लेना बैंसा पट्टण ओवैस नगर भाग में यह कम्यूनिटी कांटाक्ट प्रोग्रम चपेटा जरिए एसपी गार एसपी गार आदेश मेरे को प्रोग्रम चपेटा जरिए प्रोग्रम एसईस अदे विधा मेनु मत टोटल 80 मेंबर्स पागन जरिए दीन भाग में सर ध्रुवपत्र लेनी अदे विधा यह मिगता वेहिकल्स एवते इंप्रापर उन्यो वीजन जरिए दीन भाग में 72 वीलर्स अदे विधा 10 आटोस सीजन जरिए प्रोग्रम प्रजल या रक्षण कोरक मुंदस्त जाग्रत चर्यलोरके प्रोग्रम निर्देश काबट्टी प्रोग्रम प्रति तम या ड्यूटी नेरवे टोटल 80 वेहिकल्स रिकवर चयन जरिए How many staff? Total staff 8 SIs, అదే విధంగా 8 మంది ఎస్సీలు, అదే విధంగా 60 పీసీలు దీనిలో పాల్గొనడం జరిగింది. గుజిష్టా రోజు జిల్లా నిజామాబాద్ కే మాగ్లూర్ కే సాక్షి మీడియా సే వాబిస్తా ఏక్ తెలుగు సాఫీ పోషటి పర్ ముఖామి హుక్మరా జమాత్ కే లీడరాన్ కి జానిబ్ సే హమలా కర్తే హువే ఇస్కో మార్నే కి కోషిష్ కి గయి, జిస్ పర్ ఆజ్ భైసా కే తమామ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఔర్ ప్రింట్ మీడియా కే నుమాయిందో నే एहतजाज मुनज़िम करते हुए हाथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर महिसा के तमाम सहाफ़ी जिनमें मारकंडे, प्रमोद रेड्डी, साईनाथ, विलास, संदीप, हनमल्लू के अलावा दिगर सहाफ़ी शेख आज साहिल, अफरोज खान आफ्ताब, एम ए सलीम, मोहम्मद इरफान अहमद, राजेश्वर, मोहम्मद मुशर्रफ, जिन्होंने भी अलहदा तौर पर एहतजाज मुनज़िम करते हुए RDO दफ्तर महिसा पहुँच कर RDO महिसा लोकेश्वर राव को एक तहरीरी यादाश्त पेश की और मुतालबा किया कि सहाफ़ी पर हमले में मुलविस हाथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रेजल गीतम निजामाबाद जिला माकूर मंडल साक्षी रिपोर्टर कोशेट्टी अक्कडि अधिकार पार्टी नायक अनुचरुलु कोंदरु इनपराड्लतो वेंबडिंची दाड़ी चेयडं जरिगिंदि। दीन्नि बैंसा विलेकर्लु इलेक्ट्रानिक अंड प्रिंट मीडिया तरफुन दीन्नि निर्मिस्तुन्नां खंडिस्तुन्नां। अयिते ई निजाल्नि निर्भयंगा रासे क्रमंलो विलेकर्लपै इटुवंटि दाडुलु जरगडं ఇటువంటి వాటిని ఖండిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం ఇటువంటి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని RDO సారికి వినతి పత్రం అందించడం జరిగింది. जिले जगतियाल के करोटला शहर में आज अंबेडकर के पुतले को करोटला प्रेस क्लब की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया। जिला निजामाबाद के माकलोर गांव में पोशट्टी सहाफ़ी को किए गए हमले की मजम्मत करते हुए काफ़ी देर तक करोटले के अंबेडकर चौरास्ते पर रास्ता रोको किया गया और नारेबाजी की गई, जिसमें सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए रियासती हुकूमत को आगे आने की ज़रूरत है। अवाम और रियासती हुकूमत के दरमियान मीडिएटर की तरह सच्चाई को आगे लाने वाले सहाफ़ी पर इस तरह का हमला होने से अवाम भी नाराज़ है, लेकिन कुछ इजहार नहीं कर रहे हैं कि इस तरह से आज रियासत भर में जमहूरियत का ही गला घोटा जा रहा है। सहाफ़ी पर हमला करने वाले मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज के इस एहतजाज में प्रेस क्लब के सदर एम चंद्रशेखर, सेक्रेटरी मलिक अर्जुन, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी, इलियास खान, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अब्दुल मुसविर, अंजू गौड़, नवीन, मुबीन, सलाउद्दीन, अनस, अब्दुल रब, वासिद, मुकरम, जाकिर, अब्दुल रहीम के अलावा दीगर सहाफ़ी शामिल थे।
నిజామాబాద్ జిల్లా మాక్లూరులో సాక్షి పత్రికా రిపోర్టర్ కోచెట్టిపై టీఆర్ఎస్కు చెందిన కొందరు నాయకులు వారి ప్రోద్బలంతో కొందరు గుండగులు కోచెట్టిపై దాడికి దిగారు. ఇంపరాడ్లతో దాడి చేయడంతో కోచెట్టి తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఇలాంటి అప్రజాస్వామిక చర్యలకు దిగిన గుండగులను ప్రభుత్వం